लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास, एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम एंड रियलिटी चेक। वो आपने शायरियों में सुना होगा कि माँ का पेट खाली था पर बच्चे की भूख देखकर अपनी रोटी माँ ने बेटे को दे दी। पिता ने दिवाली पर नया कुर्ता पजामा नहीं लिया ताकि बच्चों को दिलवा पाए। पर हकीकत में ना स्ट्रगल कहीं इससे बहुत ज्यादा बढ़कर है। कितने ऐसे बच्चे हैं कि वो जब ट्यूशन के लिए जाते हैं तो बैटरी रिक्शा का उन्हें जो किराया मिलता है ना, उसकी जगह वो पैदल जाते हैं ताकि वो पैसे जेब में आ जाए तो बाद में कुछ काम आएंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में होते हैं और मेट्रो की जगह बस में ट्रैवल करते हैं कि वो मेट्रो का जो एक्स्ट्रा किराया मिलता है ना घर वालों की तरफ से, वो बच जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो 12th क्लास में होकर 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि फैमिली को सपोर्ट मिले। कितने तो यार ऐसे हैं मिडिल क्लास वाले कि जिनकी जिंदगी जब वो बड़े होते हैं ना तो वो गली में लड़ाइयों में गुजर जाती है, अपनी गाड़ी यहाँ पे क्यों लगाई, अपनी गाड़ी यहाँ पे क्यों लगाई, क्योंकि वो मिडिल क्लास में होता है ना कि पार्किंग की जगह नहीं होती यार अपने पास। कितने रिलेशन ऐसे होते हैं कॉलेज में कि वो 2BHK वाले घर होते हैं, अब वो 2BHK वाले घर में अगर सांस भी लो तब भी मम्मी पापा को सुनाई दे जाए तो अब अपने बंदे या बंदी से कैसे बात करें, वो भी अपने आप में एक स्ट्रगल होता है। तो बहुत तरीके के स्ट्रगल होते हैं यार, जो मिडिल क्लास की लाइफ होती है ना उसमें बहुत किस्म के स्ट्रगल होते हैं। एक स्ट्रगल ये भी होता है कि मम्मी शाम को बोल दे कि जाके बाजार से सामान ले आओ, और अगर आप ये बोल दो कि मम्मी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं तो ये 2 मिनट में कौन से झंडे गाड़ लोगे। और वहीं अगर आप खेलने के लिए जाने के लिए बोलो उन्हें तो कहेंगे खेल के बड़ा कुछ कर लोगे, पढ़ाई कर लो ना। तो मतलब तानों से भरी होती है ना जिंदगी। फिर भी ना हम लोग मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपने माँ बाप की हर बातों को अपने सर आंखों पर रखते हैं। ये भी चीज ना देखने को मिडिल क्लास में मिलेगी। आप कितने सपने होते हैं ना आंखों में जो मारने पड़ते हैं, क्योंकि जनरली जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं खासकर, एक वो जनरेशन गैप की वजह से उनकी सोच इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं होती है। अगर आप उनको बताओगे कि यार मम्मी मुझे बड़े होके क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती है क्योंकि नहीं देखी यार उन्होंने वो चीज़ें। और इसी वजह से ना हमें अपने बहुत सारे सपने मारने पड़ते हैं जो मिडिल क्लास वाले होते हैं। हम वो फैमिली की ना सिचुएशन में फंस कर खड़े हो जाते हैं कि यार अब करें तो करें क्या। पापा मम्मी को समझाते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, तो हमें खुद ही नहीं समझ आता हम करें तो करें क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप करना चाहते हैं MBBS करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, पर आप देखते हैं कि फैमिली की कंडीशन नहीं है ऐसी, तो आप वो BSc MSc से काम चला लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छा आइडिया होता है, बिजनेस करना चाहते हैं, पर वही है कि घर में देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जॉब करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो अपने उन सपनों को मार देते हैं। मिडिल क्लास में बंदा जॉब करता है, अगर कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो बॉस रगड़ता है। गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं जो ऊपर जो बाबू बैठे हैं, ठीक है, ऊपर जो ये ऑफिसर्स बैठे हैं वो अलग रगड़ते हैं। मतलब हम काम भी ना दूसरों के लिए करते हैं। फिक्स होता है कि यार महीने की पहली तारीख को या 7वीं तारीख को 10वीं तारीख को जब भी वो सैलरी आती है उसी रात प्लानिंग हो जाती है कि इतना स्कूल की फीस के लिए, इतना दूध के खर्चे के लिए, इतना राशन के खर्चे के लिए, 10 तारीख तक सैलरी खत्म। ये होती है आम जिंदगी मिडिल क्लास। कई बार ऐसा होगा यार कि घर वालों को आपके सपने नहीं समझ आएंगे। वो मतलब आपसे यही सवाल करेंगे, जैसे आप 24 के हो जाओगे, कि शादी कब करोगे। कई बार ऐसा होगा जो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो थोड़े पैसे वाले हैं, जिनसे आप ये बहाने बनाते थे कि जब वो वेकेशन पे जाते हैं ना बाहर घूमने, तो आप ये बोल देते थे कि मुझे तो यार अपनी नानी के घर जाना पसंद है, तो कई बार जब वो आपके घर पे आने के लिए बोलेंगे तो आप शर्माओगे। बट नहीं, फील प्राउड जो भी आप हो, क्योंकि वो जो माँ बाप है उन्होंने आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दिया है। फील प्राउड जो भी आप हो। उन्हें नहीं आएगा समझ यार आपकी डांसिंग के बारे में, आपकी सिंगिंग के बारे में, या आपकी शायरी के बारे में, आपने आपके स्पोर्ट्स के करियर के बारे में। तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो कि आप जो भी आपका पैशन है उसको पहले आप हॉबी बना के उसको लेके चलो, और साथ साथ उनके मन की भी करो। उनके मन की भी होती रहेगी, आपका भी हो रहा है,
उस हॉबी को उसमें परफेक्शन लेकर आओ, और जब आपको लगे कि आपकी हॉबी में इतनी परफेक्शन आ गई है कि आप उसे करियर या पैशन, उस पैशन को आप करियर बना सकते हो, तब उनको समझाने की कोशिश करो। यार दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है ये अमीरों के घर में, ये जो अपर मिडिल क्लास होती है या फिर ये जो हाई क्लास सोसाइटी होती है, कि जहाँ पे उन पेरेंट्स को ना अपने बच्चों से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। जैसा भी है यार, हमारी जो भी मिडिल क्लास है, जैसे भी हैं हम लोग, कम से कम उस एक टेबल पे बैठते हैं, उस नोक झोंक में वो प्यार तो बना रहता है ना। तानों के बीच में एक अच्छी सी जिंदगी कट रही होती है उस 2 BHK में, इतना छोटा सा होता है ना वो हमारा 2 BHK कि अगर मतलब बाहर निकल के देखे तो पूरा घर दिखाई दे जाता है। उन महलों की यार क्या बात करें, जहाँ पे यार वो मम्मी अपने बेटे को आवाज़ भी देनी है तो फ़ोन पे फ़ोन कर रही है, वो लैंडलाइन के 4 फ्लोर पे फ़ोन कनेक्टेड है, बेटे को फ़ोन कर रही है कि बेटा आ जाओ नीचे खाना खाने। तो जैसा भी है अपने ऊपर प्राउड फील करो, जो भी आपके माँ बाप ने दिया है। तुम कोशिश करो ना कि तुम्हारे जो फादर हैं वो तुम्हें लोअर मिडिल क्लास से अगर मिडिल क्लास पे लेके आए, तो तुम मिडिल क्लास से अपनी फैमिली को उस हाई सोसाइटी में लेके जाओ। और जैसा भी चल रहा है, जैसी भी जिंदगी कट रही है, बस दिक्कतें चाहे कितनी आए, इतना याद रखना है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए लाइफ में, बस मुस्कुराना मत भूलना।